हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंसी यू पी एस तो मैं आज आपको 28 मार्च 2022 की द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूं तो चलिए शुरू करते हैं तो आप आ जाइए पहले फर्स्ट पेज पे इस पे ये वाला इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट रबर वेव रिवाइव केरला नर्सरीज ठीक है इसमें क्या है कि ये बता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो रबर होता है वो एक टाइप से ए, एक वेव है रिवाइव करने का केरला की जो नर्सरीज हैं ठीक है और इसमें ये देखिए आप इसमें देख रहे हैं पिक्चर में दिखा रहा है अलेबर टेंडिंग टू रबर सापलिंग एट अ नर्सरी इन कोटियम केरला तो यहाँ पे ये कर रहा है रबर की खेती का दिखा रहे हैं लैक ऑफ सैपलिंग रेडी फॉर प्लांटेशन इन इवन एन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो बता रहे हैं कि लैक ऑफ मतलब लैक ऑलमोस्ट लैक ऑफ सैपलिंग है जो रेडी है प्लांटेशन के लिए ठीक है कहाँ पे सेवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ठीक है और uh, इसमें आप ये देखिए uh, जो ये है टू लाख हेक्टेयर है अक्रॉस सेवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का ठीक है स्पैन ऑफ फाइव इयर्स ठीक है 2011 से 22 हैड अनलिस्ट जो पेंटअप डिमांड रहा ठीक है और इसमें 36 लाख रबर स्टाम्प हुए हैं और 15 लाख का प्लांट्स हैं जो रूट ट्रेनर प्लांट भी कहा जाता है इसे ठीक है तो ये रबर की खेती को लेके है प्लांटेशन को लेके है तो इसको आपको पढ़ना ज़रूर है ठीक है इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से आगे देखते हैं उसके बाद फर्स्ट पेज पे ही ये है रशियन फॉरेन मिनिस्टर टू विजिट दिल्ली दिस वीक ठीक है इसमें क्या है फोकस ऑन ऑयल परचेज पेमेंट एंड डिफेंस सप्लाई हर्डल अब किस किस चीज़ को लेके फोकस में है फोकस है ऑयल परचेज को लेके मतलब ऑयल खरीदने को लेके ठीक है तेल खरीदने का लेके पेमेंट को लेके और डिफेंस सप्लाई जो हर्डल्स आ जा रहे हैं रुकावटें आ रही हैं जो डिफेंस की सप्लाई के लिए उसको लेके बात की जा रही है अब रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं सर के लैवरोव ठीक है कहा जा, जा रहा है सूत्रों के मुकाबले कि वो सूत्रों के मदद से ऐसा बता रहे हैं ये अब ये बोल रहे हैं कि सोर्सेस से पता चला है कि वो विजिट करने वाले हैं डेली को ठीक है दिस वीक ठीक है और इसमें क्या है कि आइए जो मीटिंग है ठीक है ऐसी पहली बार हो रही है जब से यूक्रेन में वॉर चल रहा है तब से और यूक्रेन अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर को वन मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं सोर्स कंफर्म कर रहे हैं ऐसा कि वो यहाँ आ सकते हैं और फर्स्ट डे सीनियर जो रशियन ऑफिसर हैं सिंस प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन डिक्लेयर वॉर ऑन द नेबरिंग कंट्री तो पहला तब से अभी हुआ है ठीक है अब इसमें फोकस में स्ट्रेटेजिक इशू को लेके बात किया जाएगा ठीक है वार और एज वेल एज जो इनके डिस्कशन है परचेजिंग जो रशियन ऑयल को लेके के पेमेंट पे, मेंट ले के पेमेंट मैकेनिज्म को लेके ठीक है और जो सेंसन्स लगाए गए हैं रशियन बैंक और एक्सक्लूजन जो है स्विफ्ट से तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये चीज़ कही जा रही है और इसमें देखिए इसमें जब डिस्कशन होगा ठीक है तो इसमें जो एस फोर हंड्रेड मिसाइल सिस्टम उसके बारे में भी होगा ए के टू हंड्रेड थ्री जो असाल राइफल्स हैं उन सब लेके उनके स्ट्रीम लाइन रुपी डबल पेमेंट को लेके सारी चीज़ों कर, से का डिस्कशन इनसे किया जाएगा जो रशियन के फॉरेन मिनिस्टर विजिट करेंगे ठीक है आगे देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा आपको पढ़ना है एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से इसके बाद आप एडिटोरियल वाले पेज पर पे आ जाओ एडिटोरियल वाले पेज पर पे आपको ये वाला पढ़ना है एक ये है टॉकिंग एंड लिसनिंग ठीक है चाइना एंड इंडिया विल फाइंड दिस डिफिकल्टी सिंपली सिंपली पिक अप द थ्रेड ऑफ़ देयर कन्वर्सेशन तो ये आपको पता ही है कि चाइना की तरफ से जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांगी विजिट किए फ्राइडे को दिल्ली में ठीक है और फिर किस तरीके से बात रखी है एल के मुद्दे पे लेके uh, क्या क्या बात हुई कैसे शांतिप्रिय तरीके से सुलझाने की बात करी गई है ठीक है क्या दोनों तरफ से स्टैंड रहा बायलिटरल ट्रॉक हुआ इन दोनों इश्यूज के बारे में ठीक है तो ये सारी चीजें इस वाले आर्टिकल में हैं दूसरा ये है पोवर्टी रोज बट इनकम इन इक्विटी फेल अब इसमें दिखा रहे हैं कि पोवर्टी यानी कि गरीबी तो घटी है लेकिन इनकम की जो इनक्वालिटी है वो भी गिरी है तो इस चीज़ को लेकर बात की जा रही है कोविड नाइन्टीन पैंडमिक के दौरान क्या हुआ किस तरीके से पॉवर्टी का को देखा गया किस तरीके से हर्डल आए कैसे सॉल्व किया गया पैंडमिक कोविड नाइन्टीन के दौरान तो इसके लिए इसको आपको पढ़ना है फिर इसके बाद इसको आपको पढ़ना है यूक्रेन द the... पावर गेम ठीक है यूक्रेनियन को लेके बात यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को लेके यहाँ बात की गई है ठीक है इसको देख लीजिए ये एक पिक्चर इसमें दिखा रहा है वुमेन एंड हर चिल्ड्रन फ्रॉम मेरू पोल से गुड बाई टू दियर फ्रेंड्स बिफोर देयर ट्रेन डिपार्ट टू लिवे फ्रॉम दिस ट्रेन सेक्शन ऑफ जपोरी झाझिया ठीक है यूक्रेन में तो वो लोग जा रहे हैं ट्रेन से तो वो दिखा रहा है कि दृश्य वहाँ का और ये ऑल अबाउट द रशियन एंड यूक्रेन है इसको आपको रफली पढ़ लेना है उसके बाद आपको ये वाला पढ़ लेना है प्रॉफिट ओवर पब्लिक हेल्थ ठीक है कि प्रॉफिट ओवर पब्लिक हेल्थ किस चीज़ को लेके है ड्राफ्ट ट्रिप्स वेवर्ड एंड फॉर द क्रेबलिटी ऑफ ट्रिप्स आपको पता ही था क्या है ट्रिप्स ट्रिप्स देख लीजिए इसमें यहाँ है मेंशन है देखिए एक टूकिए तो ये ट्रिप्स को लेके है फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स अग्रीमेंट को लेके बात की गई है कि टेम्प्रेरी कैसे वेव्ड हुआ है उस चीज को लेके बात की है, वेवर वीकनेस को लेके बात हुई है कि किस तरीके से कोविड नाइन्टीन और कोविड नाइन्टीन वैक्सीन और इन रोल रहा तो ये आपको पढ़ लेना है आगे देखते हैं इसके बाद जो ये तरीके से पेज आता है टेक्स्ट एंड कॉन्टेस्ट उस पर आ जाइए यूएस का डील विथ ई यू विस अ विस एल एन जी ठीक है अब इसमें क्या बात की जा रही है कि वाई इज द यूएस एक्सपोर्टिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू यूरोप वाट एक्सटेंट आर द यूरोपियन देश डिपेंड ऑन रशिया क्यों ऐसा है कि वो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो रशिया पे डिपेंड है ठीक है और यूएस जो एक्सपोर्ट करता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू यूरोप क्यों इस चीज के लेके बात करी गई है अब इसमें देखिए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने स्ट्रक किया है एक डील को यूरोपियन यूनियन आ, के साथ की सप्लाई करेगा लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी को मीट करेगा कॉन्टेक्ट एनर्जी नीड को जो उनकी नीड है उसको पूरी करेगा डील का मोमिट अबॉज एफर्ट्स बाई यूरोपियन कंट्रीज टू वेपन द रशियन एनर्जी अभी देखिए क्या है उसमें कि वो लोग रशिया से इम्पोर्ट कराते थे अभी यूएस से कराने की बात यहाँ पे दिख रही है क्यों क्योंकि रशिया यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उस चीज़ को लेके अब ये साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया रहता है यूनाइटेड स्टेट सप्लाई करेगी एल एन जी एट लीस्ट फिफ्टी बी सी एम टू यूरोप यूनिट ट्वेंटी थर्टी और रिड्यूस uh, यूरोप्स डिपेंडेंसी ऑन रशिया होगा इससे कि रशिया पे कम डिपेंडेंसी हो जाएगी यूरोप कंट्रीज़ की और एक न्यूट्रलाइज़ किया जाएगा क्रिमिनल्स इन्फ्लुएंस को यूरोप पे तो उस चीज़ को लेकर बात की गई है यूरोप जो ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई रहता है रशियन एक्सपोर्ट पे ठीक है फोर्टी परसेंट नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट वो रशिया से पूरी करता है जर्मनी और, और भी जो अदर कंट्रीज है ईस्टर्न यूरोप की वो डिपेंड है रशिया में एट्टी परसेंट नेचुरल गैस के नीट के लिए तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यू ने ये फैसला किया है और कट किया है डील विथ यू अभी देखिए बात क्या है कि इसमें अब उस पर यू अपना एजेंडा दिखा रही है अपनी चीजें कर रही है और एक लीड कर रही है कह सकते हैं जो यूरोपियन नेशंस को और इसमें क्या है कि अंडर दिस प्रेशर फ्रॉम एन इम्पे एनर्जी क्राइसिस द यू हैज कम्प्रोमाइज इज कमिटमेंट टू क्लाइमेट चेंज अभी इस पर क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट गोल है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि लास्ट मंथ ई यू ने डिक्लेयर किया न्यूक्लियर एनर्जी एंड गैस टू बी ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है तो इस चीज़ को लेके है इसको आपको पूरा पढ़ लेना जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है आगे देखिए द मूव टू इज़ वोटिंग फॉर ओवर सी ठीक है इसमें क्या है हाउ कैन एन आर आई रजिस्टर अब इस पर एन आर आई की वोट को लेके बात की जा रही है कि कैसे वो वोट कर सकती है यहाँ पे इंडिया में ठीक है उस सब चीज़ों को लेके बात की जा रही है चलिए आगे देखते हैं उसके बाद आपको ये देखना है प्रमोद सावंत से टू टेक ओथ एज़ गोवा चीफ मिनिस्टर तो जो वहाँ जीतने के बाद गोवा में बीजेपी के ये लीडर हैं प्रमोद सावंत वो वोट लेने के लिए ठीक है उनका दिखा रहा है कि तैयार है इसमें पिक्चर में भी ले रहे हैं अब मोदी अमित शाह का ऐसा है कि वो एक्सपेक्टेड है कि वो शामिल होंगे आ, ठीक है तो वो लेंगे अभी आ, मतलब अब वो जीत चुके हैं तो उनको वोट लेना अब क्या है कि डॉक्टर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है ठीक है गांव एरिया ऑफ़ में उसमें बताया जा रहा है कि आ, ये कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी हैं और अदर टॉप लीडर्स वहां पे मौजूद होंगे भारतीय जनता पार्टी के ठीक है और जो सावंत है मिस्टर सावंत प्रमोद सावंत वो सेकेंड बार गोवा के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं इस बार ठीक है तो इस चीज को लेके है कैसे और ये भी है कि आ, किस तरीके से ये एक बड़ी जीत इनके लिए मानी जाएगी क्योंकि वो सेकेंड बार फिर से विजयी हुए हैं तो इस चीज़ को लेके यहाँ पे पूरी बात की दी गई है प्रमोद सावंत से रिलेटेड कि कौन कौन शामिल होगा वो सेरेमनी होगी और ऑडियंस कितनी होगी बताया जा रहा मोर देन आ, ये टेन थाउजेंड हो सकती है ठीक है तो ये सब चीज़ें ध्यान में मतलब इसमें दिखाई गई है तो ये भी एक बार आप देख लीजिएगा आगे देखते हैं अब इसमें दिखाया म्यांमार के जो दिखा रहे हैं कि आ, जो मिनिस्टर हैं वहाँ के वो यहाँ पे आ, अटेंड करेंगे बिमस्टक मीटिंग उसको बात को लेकर चली रही है ये फर्स्ट बार ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस तरह के फोरम में जाएंगे जो जनता रन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है ऐसे इसमें जाने की बात कही जा रही है तो इसमें है कि कि ये कहा जा रहा है श्रीलंकन फॉरेन जो सेक्रेटरी हैं ठीक है एडमरल जय जा, जो जयनाथ कोलम्बेश जो रिटायर्ड हैं वो बोल रहे हैं कि आ, ये बेटर होगा कि म्यांमार को इंगेज किया जाए उसको आइसोलेट किया जाए या केला रखा जाए तो इंगेज करना ज़्यादा सही रहेगा ये बताया जा रहा है श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबाई राक्षपक्षा होल के होस्ट के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अदर लीडर को समिट में और जो भी हाइब्रिड मोड होगा 28 से 30 मार्च के बीच में ये समिट होगी तब की बात की जा रही है और लास्ट ईयर कोलंबो ने इन्वाइट किया था म्यांमार जनता अपॉइंटमेंट फॉरन मिनिस्टर को भी तो इस चीज़ को लेके यहाँ पर बात की जा रही है कि म्यांमार को भी शामिल करना चाहिए ठीक है म्यांमार के जो वहाँ के उनको मतलब मिनिस्टर हैं वहाँ के उनको यहाँ पे बुला आना चाहिए बिम्स्टिक मीट में ठीक है तो उनके फॉरन मिनिस्टर को भी बोला जा रहा है कि उनको अटेंड करनी चाहिए मीटिंग उसके बाद ये आ जाइए सुप्रीम कोर्ट शीख्स फुल प्रूफ नॉर्म्स टू आइडेंटिफाई एस टीज अभी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि उसको फुल प्रूफ पूरा नॉम चाहिए किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो सेड्युल्ड ट्राइब है ठीक है सेडुल्ड ट्राइब है इस चीज के लिए नो लॉन्गर सर्च ऑफ एफिनिटी टेस्ट ठीक है नो लॉन्गर एफिनिटी टेस्ट नहीं कराती अभी क्या है जो एंथ्रोपोलॉजिकल और एथोनोलॉजिकल ट्रेट्स पे बेस्ड है और बोल रही है सुप्रीम कोर्ट कि एक फिक्स फुल प्रूफ पैरामीटर होना चाहिए डिटरमाइन करने के लिए किसी भी पर्सन को कि वो बिलोंग करता है शेड्यूल ट्राइब में कि नहीं करता है क्या वो जो भी जो भी बेनिफिट्स इंटाइटल्ड किए गए हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए वो जो ले रहा है वो एक्चुअल में उसका हकदार है कि नहीं इस चीज़ को लेकर बात यहाँ पर करी गई है अकॉर्डिंग टू सेड्यूल ट्राइब इन इंडिया एज रिवील्ड इन दो हज़ार ग्यारह दो हज़ार ग्यारह के सेंसस में रिवील्ड किया गया किसके द्वारा भाई चंद्र मौली रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमीशन जो है कि सेवन हंड्रेड फाइव एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो नोटिफाई हुए हैं सेड्यूल ट्राइब के लिए ओवर टेन करोड़ इंडियन नोटिफाई हुए हैं एस टी एस सी ठीक है वन पॉइंट जीरो फोर करोड़ अर्बन एरियाज में रहते हैं और एट पॉइंट सिक्स पॉपुलेशन जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करती है एट पॉइंट सिक्स पॉपुलेशन एंड एलेवन पॉइंट थ्री परसेंट रूरल पॉपुलेशन है ठीक है तो इस चीज को लेके आपको अच्छे से पढ़ लेना है इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरा द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा ठीक है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू